हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा सुबह सुबह स्टार्ट हो रहा है, मतलब सुबह के बज रहे हैं 5 और मैंने अभी कुछ दिनों से सुबह 5 बजे उठकर वॉकिंग चालू की है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि अभी मैं अपने वेट लॉस के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि मेरा वेट मतलब 70 kg से ऊपर होने लगा था, तो जिसको मैंने मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर 3 भाभियाँ हैं तो उन लोगों के साथ में निकल जाती हूँ, वो सुबह रोज़ वॉक करने जाते हैं। तो मैं आज वॉक करने के लिए निकली थी तो यहाँ सुबह का नज़ारा इतना अच्छा होता है, लोग ना 5 बजे से लोगों की सुबह हो जाती है, आंगन में पानी डालने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर दूध वाला जो दुकान है वो भी सुबह सुबह खुल जाती है। अंधेरा हम तो अभी तक तो मैंने इसके पहले तो मैं कभी नहीं उठी हूँ, लेकिन अभी उठ के सुबह रोड सुनी होती है, वैसे तो सुनी नहीं होती है, गाड़ियाँ हमेशा चल रही है यहाँ पर और हम किनारे किनारे चलते रहते हैं। और आज शिवन्या भी मेरे साथ आ गई है, सुबह उठ गई थी तो जिद करने लगी कि मम्मा मैं चलूँगी, मैंने बोली चलो। तो देखिए फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे आज दिन का सारा रूटीन कैसे हुआ। आज दिन की शुरुआत हुई है, आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। तो देखिए मतलब सुबह होते होते 6 बज गए हैं, मतलब हम लोग 5 बजे से जाते हैं तो पहले हम मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल जाते हैं और 2.5 वापस आते, तो ऐसा हो जाता है 5 किलोमीटर। तो शिवन्या थक गई थी तो इसको मैंने अपनी पिटकोली में बिठाल के लाया, उसके बाद वो मतलब थक गई थी, वैसे तो जिद में चली गई वो मेरे साथ उठकर, लेकिन फिर वो थक गई थी तो उसे मैंने गोदी में मतलब पिटकोली में बिठाल के लाया। और फिर ऐसे ही आते आते हमें बज गए थे 6:30, मतलब 6 बजे काफ़ी उजेला हो जाता है। जो तो घर आने के बाद में हम लोग दोनों शिवन्या और मैं फ्रेश हुए, मैंने नहा लिया, मतलब तुरंत तो नहीं नहाती हूँ, मतलब थोड़ा रेस्ट करके 7-7:30 बजे मैंने नहा लिया। उसके बाद में सीधे मैं आ जाती हूँ सब्जी तोड़ने के लिए, क्योंकि इसके बाद में शिवन्या के पापा का ऑफिस का टाइम होता है तो उनके लिए नाश्ता और टिफ़िन बनाना होता है। तो मैंने नहा लिया है और मैं सुबह सुबह भजन लगा देती हूँ, उसके बाद में अब इनके पराठे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शिवन्या की डिमांड है कि मम्मी आज कुछ बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलिए बहुत दिन से कुछ बनाया नहीं है तो आज मूली के पराठे बनाने जा रही हूँ। मूली के पराठे मैंने आज तक नहीं बनाया है, ये मैंने पहली बार बनाया है, तो मुझे रेसिपी वीडियो भी शूट करना होता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मूली छील लूँगी, छीलने के बाद में इसको कीस के और इसमें नमक डाल के सारा पानी निकाल लूँगी और उसके बाद में इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हरी धनिया का जो मसाला है और लाल मिर्च है, नमक छोड़ के सारे मसाले हमें इसमें मिला लेना है और आटा गूंथ के और फिर पराठों को तैयार कर लेना है। तो नाश्ता हो गया है रेडी, उसके बाद में शिवन्या के पापा तो चले गए हैं ऑफिस। 5 बजे से मेरी दिन की शुरुआत हो रही है तो अभी बज गए हैं 10:30, क्योंकि ये ऑफिस लेट जाते हैं अगर तो मैं भी लेट हो जाती हूँ। और उसके बाद में अभी इनका लेट 10 वाला शिफ्ट चल रहा है, 11 वाला, तो ये अभी गए हैं, अगर इनका 8 वाला शिफ्ट होता है तो जल्दी निकल जाते हैं, तो ये अभी गए हैं। और फिर अब इसके बाद अभी मेरा ब्रेकफास्ट मैंने आपको बताया कि मैं ओट्स खा रही हूँ, रोज नहीं कर पाती हूँ ब्रेकफास्ट, लेकिन जब भी करती हूँ तो बस यही ले रही हूँ मैं भी हल्का फुल्का, तेल का अवॉइड कर रही हूँ कि तेल का मुझे नहीं खाना है। तो ये शिवन्या की डिमांड पे है, शिवन्या हमेशा कहती है कि मम्मी होम ब्लॉग बनाओ, डेली ब्लॉग बनाओ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैंने फिर भी बनाया है। शिवन्या उठ के मेरे साथ मॉर्निंग वॉक गई थी, उसके बाद में आई है, फिर उसके बाद हम लोगों ने नहाए हैं और देन अब नाश्ता। तो अभी दिन के बज रहे हैं, मतलब दिन के क्या शाम के बज रहे हैं 5, तो 5 बजे लगभग मैंने मतलब प्रेश करने का सोचा, इस बीच में मैंने खाना खाया, बर्तन धोया, सब कुछ किया, ये सारी चीज़ें दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो सारे काम के बाद में प्रेस एक सबसे बड़ा काम होता है। अक्सर क्या होता है कि प्रेस करते करते मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आज मैंने जैसे कि अभी आप लोग को बताया था कि आज है स्पेशल डे, क्योंकि आज है 13 मार्च और आज के ही दिन हमारे सास ससुर मतलब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी और
मतलब आज हमारे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज ही के दिन हमने देवरानी लेके आए थे हमारे देवर के लिए। और मम्मी मतलब डेट ऐसे ही निकल रही थी कि मम्मी पापा की शादी की डेट और देवर देवरानी की डेट निकल रही थी, तो हमने यही सिलेक्ट किया था कि मतलब चारों लोग हमेशा एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने इस डेट को चूज़ किया था कि नहीं 13 मार्च बहुत अच्छी डेट है, इसी डेट को निकाला जाए। तो आज मम्मी पापा की शादी के 39 ईयर कम्प्लीट हो गए हैं दोनों साथ साथ। और मतलब मैं मुझे भी इस फैमिली में आए हुए 9 साल हो गया है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं और काफ़ी अच्छी फैमिली मिली है। और इसी तरह मतलब शिवन्या के पापा भी बस अभी आते ही होंगे, उनका वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी शाम के बज गए हैं 7:30। और शिवन्या वाली दोनों का आप देख रहे हैं कि दोनों की मस्ती चल रही है और शिवन्या के पापा आते हैं और फिर अब हम लोग उसके बाद में खाना बनाएंगे। और खाना बनाने के बाद में इन लोग को मैं थोड़ी देर नीचे ले जाती हूँ। किसका हैप्पी बर्थडे? किसका हैप्पी बर्थडे पहले बता। तो क्या लाए पापा ने, क्या लाए? नहीं हैप्पी बर्थडे तो क्या लाए? हाँ लड्डू लाए हैं दिवाली के लिए। नहीं आज क्या है? होली। होली नहीं है, दादू और दादी की शादी हुई थी आज। क्या हुआ था? दादू और दादी की शादी। हाँ चाचू की भी हुई थी आज, चाचू की भी शादी हुई थी आज। मेरे तो हो गई। क्या हुई शादी? मेरे मम्मा और पापा की। मम्मा पापा की शादी हो गई तभी तो तू आया है। बबलू उसका ढूंढना क्या, उसको ऊपर होगी ट्राइपॉड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पर जैसे ही मिठाई का डब्बा वानी ने देखी तो वो सीधे किचन की तरफ दौड़ी। शिवन्या ने बर्तन जमा रही थी तो मतलब मुझे बर्तन भी नहीं जमाने दिए उसने। और फिर देखिए किस तरह से मतलब कि खोलने लगी डब्बा कि इसमें मम्मी क्या है, क्योंकि वानी को मीठा बहुत पसंद है। और उसने देखा कि कुछ तो आया है तो निकुंज उसकी हेल्प करने लगा। फिर मैंने बोला रुको अच्छा मैं निकाल के देती हूँ, मैं बर्तन जमा रही थी मुझे बर्तन जमाने नहीं दे रहे थे कि मम्मा इसको सबसे पहले खोलो मैं, क्योंकि अब सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, सब्जी फ्राई करूँगी, आटा लगाऊँगी, उसके बाद में ये बच्चों को नीचे लेके जाऊँगी, ये थोड़ी देर खेलेंगे। और आज शिवन्या के पापा को ज़्यादा काम है तो वो ऑफिस का काम करेंगे अभी भी, तो मैं खाना बना के उन्हें खिला के और बच्चों को लेके जाऊंगी नीचे और तब तक वो खेल लेते हैं। और ये देखिए मिठाई का डब्बा मैं खोल रही हूँ, ये मिठाई खा रहे हैं। तो आज मैंने बताया जैसे कि आज मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है और देवर देवरानी की, तो उसके लिए शिवन्या के पापा ने आज ऑफिस में भी मिठाई बांटे हैं और घर पर भी लेके आए हैं, ऑफिस के सारे मेम्बर को दिए हैं आज, क्योंकि मम्मी पापा को 39 ईयर हो गया है साथ रहते रहते। मतलब शादी के 39 ईयर कंप्लीट हो जाना बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ में इतना समय व्यतीत करते हैं। और मतलब जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना वो खट्टी मीठी यादों के साथ में होता है, उतनी नोक झोंक होती है, उतना ज्यादा प्यार होता है, तो मम्मी पापा के रिलेशन में बहुत है, तो ये चीजें बहुत अच्छी है। तो मतलब आज मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। अगर मैं वहाँ होती हूँ तो अक्सर हम लोग मतलब केक लाते हैं, केक ला के काटते हैं, एक छोटी सी पार्टी जरूर होती है। तो इस बार मम्मी ने कहा है कि अब तुम आओगे तभी हम केक काटेंगे, अभी तो हम काटने नहीं वाले। तो फिर उसके बाद में हम सीधे आ जाते हैं खाने की और फिर मैं रात का खाना बना देती हूँ, मतलब सब्जी फ्राई कर रही हूँ और क्योंकि अभी मैं आलू भट्टे की सब्जी बनाने वाली हूँ, उसके बाद में मैं बच्चों को लेके नीचे जाऊँगी। चलो तो मैंने सब्जी बना दिया है और मैं सीधे नीचे चली आई हूँ। क्या हुआ पानी को, क्या हुआ पानी को, क्या हुआ, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? हाँ शिवन्या क्या हुआ आपको, क्यों नाराज हो गई बेटू? हाँ खेलने नहीं दे रहे? कौन नहीं दे रहा बेटू को खेलने? शिवन्या नहीं करो, नहीं करो।